हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू योर चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू न्यूट्रिशन सेकेंड पार्ट, इन विच आई विल टेल यू अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट, यू नो दैट ऑन एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अनदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट और दूसरे एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाई देयर सेल्फ। ओके, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनिमल्स का जो फूड टेकिंग का प्रोसेस होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से होता है। इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। मतलब वो किस तरह का फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए केवल प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जो शाकाहारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कैमल, डियर, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब केवल प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। प्लांट या वेजिटेबल्स या प्लांट्स के पार्ट्स इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना जो फूड है वो दूसरे एनिमल्स के फ्लश से लेते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स के फ्लश के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे लॉयन, टाइगर, वल्चर, लिजर्ड, ये सब क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट है ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। मतलब जो वो किसी भी तरह से अपना फूड ले सकते हैं, या तो वो ग्रीन प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन जो होता है वो प्लांट्स भी खाता है, वो फ्लैश भी खाता है, तो वो ओमनीवोरस हो गया। इसी तरह से डॉग, बियर, एंट, ये सब ओमनीवोरस में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें फाइव मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। तो सबसे पहले हम इंजेशन पढ़ेंगे। इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन होती है वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। इंजेशन का मतलब है कि जो फूड हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनमें फूड लेने के लिए माउथ का पार्ट होता है, तो माउथ के थ्रू ही इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब है ईटिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को खाना। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। वो प्रोसेस जिसमें कि जो फूड होता है, जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारे लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, मतलब घुलने वाले मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल और वाटर में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो दो मेथड में कंप्लीट होता है, एक फिजिकल मेथड होता है और दूसरा केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में मतलब जैसे हमने फूड लिया और हमारे जो माउथ होता है उसमें क्या होता है, टीथ होते हैं, तो टीथ के थ्रू जो जो फूड होता है वो छोटे छोटे बाइट्स में, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग होती है जो फूड की माउथ के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड। माउथ के बाद जब वो फूड हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं और उन केमिकल्स और एंजाइम्स की हेल्प से जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल मेथड।
एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ, मतलब हमारी बॉडी के थ्रू जो फूड में जूसेस या एंजाइम्स का जो एडिशन होता है, और उस एडिशन के बाद फूड का जो डाइजेशन होता है उसे हम केमिकल मेथड कहते हैं। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टिव फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इन टू ब्लड। अब ये जो प्रोसेस जिसमें जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन होती है उसके थ्रू ब्लड में सप्लाई हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है? जो एब्जॉर्ब फूड है जो हमारी ब्लड में पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, तो उस जो फूड से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसे एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं ग्रोथ और रिपेयर होती हैं, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इजेशन। अब डाइजेस्टेड फूड के अलावा हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये हमारी बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो इजेशन कहलाता है। तो इस तरह से 5 जो स्टेप्स हैं वो हम डाइजेशन के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे अंदर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और उससे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो माउथ होते हैं, यहाँ पे माउथ है ये देखिए, और ये जो ईसोफेगस है ये ईसोफेगस है, उसके बाद स्टमक आता है, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कॉइल्ड फॉर्म में, उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं रेक्टम और एनस, इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं। इसके अलावा हमारी जो ग्लांड्स होती हैं, जैसे हमने बताया एसोसिएटेड ग्लांड्स होती हैं, उसमें सेलेवरी ग्लांड्स होती हैं, ये सेलेवरी ग्लांड्स दिखाई गई हैं, ये लीवर हमारा जो होता है ये लीवर है, और उसके अलावा ये हमारा पैंक्रियाज है। इस तरह से ये सारे मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंजेशन। द ह्यूमन बीइंग हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ द फूड दैट इज माउथ। ये माउथ के थ्रू हम फूड लेते हैं, तो माउथ के थ्रू ही हमारा इंजेशन होता है, मतलब फूड का इंजेशन होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ की कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सेलेवरी ग्लांड होते हैं, यानी कि जो माउथ है इसके अंदर टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सेलेवरी ग्लांड होते हैं। इसके थ्रू जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो टीथ है, टीथ जो होते हैं वो हमारे फूड को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं, उसको च्यू करने में यानी चबाने में हेल्प करते हैं, और उसको ग्राइंड पीसने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सेलेवरी ग्लांड जो होती है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है माउथ में, जो स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है। अब टंग जो होता है इस स्टिकी मटेरियल को हमारे फूड के साथ मिलाने का काम करता है। जो सेलेवरी ग्लांड स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है सलाइवा, उसको टंग जो होता है वो हमारे फूड में मिला देता है, ठीक है। कभी कभी हमने देखा है या बहुत अधिकतर यही होता है मोस्टली कि जब हम अपनी मनपसंद खाना देखते हैं या फिर हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो क्या होता है हमें जब खाना दिखता है हमारे सामने तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अवर माउथ वाटर्स। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा प्रोड्यूस करने के कारण होता है, ठीक है। अब माउथ में जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है वो धीरे से क्या होता है हमारे फूड पाइप में जाता है। ये है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप हम ईसोफेगस को कह रहे हैं, ये जो ईसोफेगस है ये हमारा फूड पाइप भी, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये हमारा फूड पाइप है, तो इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, बस इसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड जो होती है एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ये फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिससे कि जो फूड है ये इजीली जो होता है यहाँ पे इसके थ्रू स्टोमक में आ जाता है, ठीक है, स्टोमक में आ जाता है। ये जो ईसोफेगस का मेन फंक्शन है
आपकी फूड को स्टमक तक ले जाना। और ईसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरिस्टैलिक मूवमेंट कहते हैं। ये हमारा पैरिस्टैलिक मूवमेंट कहलाता है, जो फूड का मूवमेंट है उसे हम पैरिस्टैलिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, अब हमारा जो फूड है वो कहाँ आ गया, स्टोमक में। स्टोमक जो होता है वो जे शेप ऑर्गन होता है, ये देखिए ये जे शेप का बना है, ये जे शेप का, तो ये जे शेप ऑर्गन होता है, ये देखिए जे शेप का ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो होता है स्टोमक में एक जूस सिक्रीट होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में तीन सब्सटेंसेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस के कारण जो पैक्सिन होता है, पैक्सिन कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो HCl की प्रेजेंट में जो प्रोटीन होता है वो पैक्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और HCl का दूसरा फंक्शन क्या होता है कि जैसे जो फूड हम खा रहे हैं उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम भी करता है। अब यहाँ पे स्टोमक में जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड होता है वो कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत लंबी होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बहुत लंबी होती है लेकिन ये बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होती है, इसीलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स में अलग अलग होती है। हर्बीवोरस एनिमल्स में जो होते हैं प्लांट्स वगैरह खाते हैं तो स्टार्च को मतलब कि डाइजेस्ट करने के लिए जो एलिमेंट्री के ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, और अगर वो कार्निवोरस होते हैं तो उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो दो ग्लैंड से उसको सिक्रीशन मिलता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे दो ग्लैंड से सिक्रीशन मिलता है, एक ये जो लीवर है और एक ये पैंक्रियाज है। तो लीवर के थ्रू इसमें जो होता है येलो ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है वो मिलता है, जो कि ये गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो बाइल है ये तो जो हमारा फूड है उसमें जो फैट प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। और ये जो पैंक्रियाज है ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज थ्री एंजाइम्स होते हैं। तो एमाइलेज जो होता है वो किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो होता है वो फैट्स का डाइजेशन करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जो इस जूस की वजह से फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद जो फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स के थ्रू इजिली ब्लड में सप्लाई हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन का मतलब डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का मेन रीजन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये इसकी अंदर बहुत फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई। तो ये जो विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को एरिया प्रदान करते हैं, छोटा और बड़ा करने का काम करते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डाइजेस्टेड फूड का इजिली हो सके। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड होता है वो सारी बॉडी में चला जाता है और ये जो फूड से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे सारे वर्क में काम आती है। इसके बाद है इंजेशन का प्रोसेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन बनी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि फूड में जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। सॉलिड में कन्वर्ट करने के बाद जो फूड बचता है उसे हम फीसेस या स्टूल्स कहते हैं। ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और ये जो फूड है ये रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा पूरा डाइजेशन फूड का हो जाता है।
ये है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा